बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आई एम वसीम बेग फ्रॉम डीपीएसएनसी फैसलाबाद। सेकंड ईयर आईसीएस बुक हमने स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट चैप्टर के लिए लेक्चर नंबर 1-4 आप देख सकते हैं, जिसके लिंक्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स इन डिटेल्स। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा कि फाइल्स क्या होती हैं और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। दोबारा से आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो फाइल्स हैं, या जिनको हम टेबल्स भी कह सकते हैं, ये एक एक्स वाई मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जो रोज हैं उनको हम रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं, या हम उनको ट्यूपल्स कहते हैं, ट्यूपल्स। और जो कॉलम्स हैं उनको हम फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। इनफैक्ट द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेसिस इवॉल्व फ्रॉम द ओल्ड ट्रेडिशनल वर्किंग ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम FMS। लेट्स सी हाउ दिस एवोल्यूशन इमर्ज्ड बाय कंसीडरिंग द सेम डायग्राम ऑफ रिकॉर्ड एंड फाइल। जो आपने चैप्टर नंबर 1 में डायग्राम देखी, वही हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली जो डेटाबेसेस हैं, ये ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, या जिसे हम FMS कहते हैं, उससे बेहतरी की तरफ गई, इवॉल्व हुई। और आजकल जो हमारे पास डेटाबेसेस हैं, एक्चुअली उनकी बेस जो सी है वो FMS या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम ही था। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहां पे आप कुछ चीजें जो सी वो नोट करें। थोड़ा सा व्यू को हम इस तरह करते हैं कि ये सारा आपको नजर आए। अब देखें, ये जो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय नंबर 0003, एम्प्लॉय नेम हसन रजा, इसी तरह एम्प्लॉय नंबर 0002, एम्प्लॉय नेम मोहम्मद अली, और इसी तरीके से एम्प्लॉय नंबर 0001, एम्प्लॉय नेम मदीहा जाफरी। अब ये जो नीचे ग्रेड, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड क्वालिफिकेशन, ये इन पेजेस के ऊपर भी मौजूद है। यानी आप यूं देखेंगे, ये एक पेज के ऊपर दूसरा पेज, दूसरे के ऊपर तीसरा पेज रखे गए हैं। यानी फ्रंट पे ये रिकॉर्ड नंबर 1 है, उसके बैक पे रिकॉर्ड नंबर 2 है, फिर रिकॉर्ड नंबर 3 है। तो इन रिकॉर्ड से मिलके बनती है फाइल। तो एक्चुअली इस वक्त जो आपको रिकॉर्ड नंबर 1, 2 एंड 3 ये नजर आ रहे हैं, इनसे मिलकर बनती है फाइल। और ये इसकी फील्ड्स है। एम्प्लॉय नंबर एक फील्ड है जिसे हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। एम्प्लॉय नेम एक फील्ड है या एट्रीब्यूट है। ग्रेड एक फील्ड है या एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से डेजिग्नेशन एक फील्ड है या एट्रीब्यूट है कि वो उसकी जॉब का टाइटल क्या है। जैसे ये बंदा सीनियर मैनेजर है, ये मदीहा जाफरी खुतून। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये एक फील्ड है। और इसी तरीके से क्वालिफिकेशन, MBA IIT उसने किया हुआ है, April 15, 2005 में उसने ये अदारा ज्वाइन किया है, सीनियर मैनेजर की पोस्ट उसको दी गई, और इस वक्त उसका ग्रेड 1/4 है। ये ग्रेड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, और मदीहा जाहरी उसका नाम है, और ये एम्प्लॉय नंबर उसको असाइन किया गया जब उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। तो ये पूरा आपके सामने एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में मल्टीपल फील्ड्स हैं, और रिकॉर्ड्स का जो मजमुआ है, यानी सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, इज कॉल्ड अ फाइल। तो ये एक रिकॉर्ड, ये वाला दूसरा रिकॉर्ड, ये वाला तीसरा रिकॉर्ड। तो आप यूं अंडरस्टैंड करें कि अ रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ फील्ड्स, अ रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ फील्ड्स, एंड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड अ फाइल। इसको टेबल भी कह लेते हैं और इसको फाइल भी कह लेते हैं। तो आप दोबारा अंडरस्टैंड करें कि एक जो रिकॉर्ड है, जैसे ये एम्प्लॉय नंबर
0001 मदीहा जाफरी, ये एक रिकॉर्ड है, ये बाकी उसकी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, उसका ईमेल एड्रेस हो सकता है, उसकी सैलरी हो सकती है, उसकी मैरिटल स्टेटस हो सकता है, वो शादीशुदा है या नहीं। तो इन सारे फील्ड्स से मिलके ये दो फील्ड्स भी हो सकती हैं, ये 100 फील्ड्स भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से डेटाबेस को मैनेज किया। तो एक रिकॉर्ड में मल्टीपल फील्ड्स होंगी और मल्टीपल रिकॉर्ड्स से मिलके फाइल बनेगी, जिसको आप टेबल भी कहेंगे। यानी एक रिकॉर्ड में मल्टीपल फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और हर फील्ड की अपनी डेटा टाइप होती है। जैसे जो एम्प्लॉय नंबर है, इस वक्त ये करेक्टर टाइप है, एम्प्लॉय नेम मदीहा जाफरी ये भी करेक्टर टाइप है, ग्रेड ये भी करेक्टर टाइप है, डेजिग्नेशन भी करेक्टर टाइप है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इसकी डेटा टाइप डेट है, क्वालिफिकेशन करेक्टर टाइप है, और सैलरी होती तो वो शायद नंबर टाइप होती। तो उसको दोबारा अंडरस्टैंड करें कि जो एक रिकॉर्ड है ये इस वक्त यहां से ये सारी जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है ये वाली, ये एक रिकॉर्ड है, और एक रिकॉर्ड में मल्टीपल फील्ड्स हैं। फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं और कॉलम भी कहते हैं, और ये रिकॉर्ड मुकम्मल हो गया आपका। इसी तरह एक और रिकॉर्ड, इसी तरह एक और रिकॉर्ड, और इसी तरह सौ हजारों लाखों रिकॉर्ड्स, और इन रिकॉर्ड्स के सेट को हम कहेंगे फाइल। यू कैन से ए रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ फील्ड्स एंड अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ records. It is worth mentioning here that the file must have a meaningful name, and all the fields names in each record must be unique and meaningful too. So ये चीज ध्यान में रखें कि जो फाइल आपने बनानी है, फाइल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे आपने पहले वेरिएबल नेमिंग रूल्स जो उनसे वो स्टडी किए, और आपको पता है कि जो फाइल का नाम है ये आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसी तरीके से कोई स्पेशल सिंबल से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, इसी तरीके से फाइल के नाम में स्पेस नहीं दी जा सकती। कुछ डेटाबेसेस हैं जो फाइल के नेम में स्पेसेस अलाउ करती हैं, जैसे एंड्रॉयड बेस्ड जो फाइल सिस्टम्स हैं वो अगर आप स्पेस भी दे दें नाम में तो वो अलाउ करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कि अगर आप एग्जाम्पल लें 64-bit 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी फाइल के नेम में स्पेस जो से वो अलाउ करते हैं। तो कुछ फाइल सिस्टम्स हैं जो फाइल के नेम में स्पेस अलाउ नहीं करते। इसके अलावा जो फाइल नेमिंग रूल्स हैं उसमें ये कि आप रिजर्व वर्ड को एज ए फाइल नेम कोशिश करें कि यूज ना करें जब आप उसको स्टोर करें। जैसे एग्जाम्पल यहां पे हम एक देखते हैं कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है, फाइल नेम हमने उसका रखा emp_bio_info। तो एम्प्लाई बायो डेटा इंफॉर्मेशन या बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन ये इस फाइल का नाम है। तो यहां पे स्पेस नहीं दी गई बल्कि अंडरस्कोर यूज किया गया है, emp_bio_info। तो अगर हम इसका नाम रखते बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन तो ये एक तो लेंथी होता नाम, दूसरा ये नहीं पता चलता कि ये किसकी बायोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है। अगर एम्प्लाईज की करते तो बहुत लेंथी हो जाता और बार बार ये नाम हमें यूज करने में टाइपिंग जो सी वो करनी पड़ती। तो एम्प्लाई का हमने एम्प ले लिया, बायोग्राफिक का बायो ले लिया, और इन्फॉर्मेशन का इन्फो ले लिया, और अंडरस्कोर की मदद से इसको मिलाकर हमने फाइल नेम जो सा वो बना दिया। इसी तरह एम्प्लाई नंबर को एम्प नंबर कहा गया, एम्प्लाई नेम को एम्प नेम कहा गया, ग्रेड को एम्प ग्रेड, डेजिग्नेशन को एम्प डेजिग्नेशन, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को एम्प डेट ऑफ ज्वाइन या DOJ भी आप इसका शॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वालिफिकेशन एम्प और QUAL शॉर्ट लिख लिया गया, और सेम लाइक अदर फील्ड्स को आप जो सा वो शॉर्ट सा नेम दे सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके लिए MPDOJ आप कर लें वो मजीद शॉर्ट है। तो बुक में जो आपको
DTE_OF_ ज्वाइन दिया गया, ये काफी लेंथी नेम है, तो DOJ इसका शॉर्ट आप रख सकते हैं। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, फील्ड को हमने स्टडी किया, रिकॉर्ड को हमने स्टडी किया और फाइल को हमने स्टडी किया। डेफिनेशन इनकी देख लें, फील्ड, ए फील्ड इज द यूनिट ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कैरेक्टर, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और ग्रेड ऑफ एन एम्प्लॉय इन ए रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय। तो फील्ड क्या है, फील्ड इज अ यूनिट ऑफ डेटा कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, यानी इसमें एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और फील्ड को एट्रीब्यूट भी कहा जाता है या कॉलम भी कहा जाता है, और इसकी अपनी एक डेटा टाइप होती है। जैसे टेबल में अगर आपने एम्प्लॉय का नेम स्टोर करना है तो आपको नेम नाम की एक फील्ड बनानी पड़ेगी, इसी तरह अगर आपने टेबल में एम्प्लॉय का फोन नंबर स्टोर करना है तो आपको फोन नंबर की एक या कॉन्टैक्ट की एक फील्ड बनानी पड़ेगी, इसी तरह एड्रेस के लिए आपको फील्ड बनानी पड़ेगी। तो जितना डेटा आपने एम्प्लॉय का स्टोर करना है, हर तरह के डेटा के लिए आपको फील्ड्स बनानी पड़ेंगी। रिकॉर्ड क्या है, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। तो अब ये अंडरस्टैंड करें कि फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड बनेगा। तो ये जो कहा गया था कि ए फील्ड इज अ यूनिट, तो यहां पे सेट ऑफ यूनिट, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, तो ये जो फील्ड्स थी इनके सेट को रिकॉर्ड कर दिया गया। तो जब आप एक या एक से ज्यादा फील्ड्स को जो सा वो मेंशन करेंगे तो आप कहेंगे कि ये रिकॉर्ड है। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस, ये उसकी तीन फील्ड्स हो गई, और उसके अगेंस्ट इन तीनों फील्ड से मिलकर एक रिकॉर्ड बनेगा। तो रिकॉर्ड क्या है, ये एक्चुअली रिलेटेड डेटा आइटम्स, यानी अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल में देखें यहां पे, तो अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यहां मैं आपको बताता चलूं कि जैसे एम्प्लॉय नंबर, जिस एम्प्लॉय का नंबर 001 है, उसका नाम मदीहा है, उसी का ग्रेड, उसी का डेजिग्नेशन, उसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसी की क्वालिफिकेशन यहां पे मेंशन है, तो इसलिए हमने इसको कहा कि ये रिलेटेड आइटम्स का जो सेट है, दैट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड, एंड ए सब यूनिट ऑफ ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ फील्ड, ऑल्सो कॉल्ड एन एट्रीब्यूट, और यू कैन से अ कॉलम। तो यहां अब अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे जो फील्ड है वो क्या है, वो किसी रिकॉर्ड का एक यूनिट है, और रिकॉर्ड क्या है, ये उन फील्ड्स के सेट को रिकॉर्ड कहते हैं, और अब जो फाइल है ये उससे बड़ा यूनिट है, यानी फील्ड सबसे छोटी, क्योंकि एक रिकॉर्ड में कई फील्ड्स हो सकती हैं, रिकॉर्ड उससे बड़ा क्योंकि जो फील्ड्स हैं उसके सेट को रिकॉर्ड कहते हैं, लेकिन जो फाइल है वो फील्ड और रिकॉर्ड दोनों से बड़ी, क्योंकि फील्ड काफी सारी हों तो मिलकर रिकॉर्ड बनता है और काफी सारे रिकॉर्ड्स हों तो मिलकर फाइल बनेगी। तो फाइल को हम कहेंगे ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल और अ डेटा सेट। तो डेटा सेट या फाइल हम किसको कहते हैं, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी इन रिकॉर्ड्स के सेट को हम फाइल कहेंगे या उसको हम डेटा सेट कहेंगे। और रिकॉर्ड कैसे बनता है, फील्ड्स के मजमुआ से, यानी मल्टीपल फील्ड से रिकॉर्ड बना और मल्टीपल रिकॉर्ड से फाइल बन गई। The above mentioned record can be shown as it would appear on the hard disk as follow. Actually, all the data will be saved onto hard disk as a combination of zeros and ones. That is the machine language form. Each field will occupy the space as would be allocated at the time of its definition. So, अब आप देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे field, फर्स्ट फील्ड जो सी थी एम्प्लॉय नंबर 001, उसने हार्ड डिस्क के ऊपर स्पेस ली। मदीहा जाफरी जो सेकंड फील्ड थी एम्प्लॉय नेम, उसने स्पेस ली। फिर एम्प्लॉय ग्रेड, फिर एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, फिर एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और इस तरह एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, और इसी तरह और बहुत सारी फील्ड्स। तो इन फील्ड्स
की जो लेंथ है, यानी जैसे अगर आप देखें कि एम्प्लॉई नंबर की लेंथ इस वक्त 0001 यानी 4 कैरेक्टर्स है, इसी तरह नेम की लेंथ 30 कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल, ग्रेड की लेंथ 4 कैरेक्टर्स ले लें, सीनियर मैनेजर की लेंथ, इसके अलावा भी और भी डेजिग्नेशन हो सकते हैं, नेम लेंथ भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने 30 कर लिया। अदरवाइज तो MADIHA7 ये बनते हैं 6 और 6 और एक स्पेस 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो सामने तो आपको 14 नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद लोगों के नाम जो से वो लेंथी भी होते हैं, जैसे मोहम्मद सलाहुद्दीन अयूबी, अगर वो बड़ा लंबा नाम होगा तो वो ज्यादा स्पेस लेगा। इसलिए इन सब फील्ड्स के जो इसकी विड्थ है उसको हम प्लस करके बताएंगे कि एक रिकॉर्ड हार्ड डिस्क के ऊपर इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो किसी रिकॉर्ड की जितनी फील्ड्स हैं उसकी लेंथ को आप प्लस कर लें और आप बता सकते हैं कि एक रिकॉर्ड हार्ड डिस्क के ऊपर इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब हम बात करते हैं डेटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी हम डेटा हैंडलिंग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम FMS की बात करने लगे हैं, ये डेटाबेसेस की बात नहीं करने लगे। दी रिकॉर्ड लेआउट्स आर प्रॉपरली डिफाइंड इन दी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज ईच फील्ड इज गिवन अ फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स एंड दे आर पुट टूगेदर कंटीन्यूअसली इन फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ कलेक्शंस कॉल्ड रिकॉर्ड्स। अब इसको दोबारा अंडरस्टैंड करें, थोड़ा लैंग्वेज जो सी वो आपको डिस्टर्ब कर रही होगी, क्योंकि ये ज़ाहिर है टर्म्स हैं, डेटाबेसेस की टर्म्स हैं और स्पेशल कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज है। दी रिकॉर्ड लेआउट यानी रिकॉर्ड जो आपको ज़ाहिर नजर आते हैं, जैसे ये एक रिकॉर्ड लेआउट है ये आपके सामने है, आर प्रॉपरली डिफाइंड, उनको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाता है इन दी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। ईच फील्ड जिसको हमने एट्रीब्यूट भी कहा या कॉलम भी कहा, जैसे एम्प नंबर एक फील्ड है, एम्प्लाई नेम एक फील्ड है, डेजिग्नेशन एक फील्ड है, ईच फील्ड इज गिवन अ फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। यानी अब जो फील्ड है ना उसकी जो टाइप है वो या तो फिक्स हो सकती है, जैसे आप कहते हैं जी इसमें 4 करेक्टर ही लिखने हैं, जैसे यहाँ पे एम्प्लाई आपको जो नंबर नजर आ रहा है वो 4 करेक्टर का होगा, 0001 0001 0002 0003 4 5 6 7 8 9 10 और जो लास्ट होगा वो 9999 नंबर होगा। तो ये हम कहेंगे ये फिक्स लेंथ है और वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस। तो वेरिएबल लेंथ जैसे नेम है, अब ये नेम छोटे बड़े हो सकते हैं, किसी का नाम एली भी हो सकता है, और जैसे मैंने एग्जांपल दी किसी का नाम बहुत लेंथी भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कुरतुलैन ये लेंथी नाम है, मदीहा कुरतुलैन वसीम ये लेंथी नाम हो जाएगा, मदीहा जाफरी या जैसे मोहम्मद सलाहुद्दीन मैंने आपको बताया वो नाम इससे भी लेंथी होगा। तो बाद हम फिक्स लेंथ डिफाइन कर देते हैं किसी फील्ड के लिए, बाद हम वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस दे देते हैं कि इतने बाइट्स ये लेगा, अंदाजा हमारा होता है। वेरिएबल मीन के लेंथ कम ज्यादा हो सकती है, जैसे नेम छोटे बड़े हो सकते हैं, एंड दे आर पुट टुगेदर कंटीजियसली, कंटीजियसली मीन एक के साथ दूसरा, कंटीजियस यानी जैसे एम्प जो कोड है उसके साथ एम्प नेम है, उसके साथ ग्रेड है, उसके साथ डेजिग्नेशन है, उसके साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसके साथ क्वालिफिकेशन है एंड सो ऑन, कंटीजेंसी इन फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ कलेक्शंस कॉल्ड रिकॉर्ड्स। और इस पूरे सेट को हम कहेंगे रिकॉर्ड, यानी एक रिकॉर्ड में एम्प नंबर भी है, एम्प नेम भी है, एम्प ग्रेड है, एम्प डेजिग्नेशन है, एम्प डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एम्प क्वालिफिकेशन है एंड अदर फील्ड्स, तो इनसे मिलकर बनेगा रिकॉर्ड। दस ईच फील्ड कॉरस्पॉन्ड्स टू अ प्रॉपर स्टार्टिंग मेमरी एड्रेस। अब हर जो फील्ड है यानी ये वाली फील्ड है इसका स्टार्टिंग एड्रेस यहां से फॉर एग्जांपल 0 से एड्रेस स्टार्ट किया है तो 0 1 2 3 4 तक इसका एड्रेस खत्म हुआ, मदीहा का एड्रेस 5 से स्टार्ट हुआ और फॉर एग्जांपल 30 तक गया, जो ग्रेड था उसका एड्रेस 31 से स्टार्ट होके 35 तक चला गया, एम्प डेजिग्नेशन का एड्रेस 36 से स्टार्ट होके फॉर एग्जाम्पल 50 तक चला गया, ये 51 से 60 तक हो गया, ये 61 से 70 तक एंड सो ऑन। तो दस ईच फील्ड कॉरस्पॉन्ड टू अ
प्रॉपर स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस। ये रैम के एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ। और हार्ड डिस्क जोन सी है उसमें बाइनरी डेटा स्टोर होता है, और रैम में हेक्साडेसिमल एड्रेसेस जोन से वो स्टोर होते हैं। एज दी फील्ड्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन प्रॉपर लेंथ, सो दी वैल्यू ऑफ ईच फील्ड आर डिटरमिन विद इन दोज मेमोरी एड्रेसेस। ये एग्जाम्पल देखें, क्योंकि फील्ड्स को हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये फील्ड की लेंथ, जैसे हमने कहा कि इस फील्ड की जो एम्प नंबर है उसकी लेंथ होगी 4 बाइट्स, एम्प नेम के लिए हमने 25 बाइट्स एलोकेट किए, एम्प ग्रेड के लिए हमने फॉर एग्जाम्पल 3 बाइट्स एलोकेट कर दिए, एम्प डेजिग्नेशन के लिए हमने 15 बाइट्स एलोकेट कर दिए, एंड यू नो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सेम लाइक वी हैव असाइंड एम्प डीटीई ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग हैज बीन असाइंड 15 बाइट्स एंड क्वालिफिकेशन हैज बीन असाइंड 8 बाइट्स। ये फील्ड लेंथ है इन बाइट्स, और ये उसका स्टार्टिंग एड्रेस है। ये 1, अगर ये 4 बाइट है तो 1, 2, 3, 4 इसने ले लिया, ये 5 से स्टार्ट हुआ, 25 ऐड करें तो 30 पे खत्म हुआ, 30 से स्टार्ट किया 33 पे खत्म हुआ क्योंकि 3 बाइट्स थे, और 33 प्लस 15 करें तो 48 बनता है, 48 प्लस 15 बाइट्स ये, तो ये 63 बन गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से डिस्क के ऊपर आपका रिकॉर्ड जो सा वो स्टोर हुआ। Thus the field names are used only as the names reference within the program using them. Their values flows with them as the contents of the memory spaces they are occupying. तो ये चीज अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरीके से जो डेटा है वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। यानी हमने फिक्स लेंथ वेरिएबल भी बना सकते हैं, फील्ड्स को फिक्स लेंथ भी कर सकते हैं और वेरिएबल लेंथ भी हम उनको कर सकते हैं। तो ये 4 प्लस 25 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 48 प्लस 8, तो ये टोटल बना 63 प्लस 8, तो ये बन गया 71। तो इस रिकॉर्ड ने 71 बाइट्स लिए, यानी 4 इसने लिए, 25 इसने लिए, 29 हो गए, 3 इसने लिए, तो ये बने 29 प्लस 3, ये हमारे पास बन गए 33 प्लस 15, ये 48 क्योंकि वो 1 से स्टार्ट कर रहा है, और 15 इसने लिए तो ये बन गया 63, और 8 बाइट्स इसने लिए तो यहाँ पे सम इसका होना था 71। तो इस रिकॉर्ड ने 71 बाइट्स लिए। तो अगर आप बताना चाहें कि हमारे 100,000 रिकॉर्ड्स हैं तो उसको 71 बाइट्स से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आए उसको 1024 पे डिवाइड करके किलोबाइट्स, और फिर 1024 पे डिवाइड करके आप उसके मेगाबाइट्स बना सकते हैं, और अगर बड़ा यूनिट है तो फिर 1024 पे डिवाइड करके आप उसके गीगाबाइट्स या टेराबीटा जीटा मीना बाइट्स बना सकते हैं। तो इस तरह ये आपका लेक्चर आज कंक्लूड होता है। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।